नमस्कार, आप देख रहे हैं देशज टीवी और मैं हूं नीलेश। सिवान में अपराधियों ने 24 साल के इंजीनियरिंग छात्र असगर अली की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तरवारा थाने के बसीलपुर गांव की है, जहां अपराधियों ने असगर को मौत के घाट उतार दिया। असगर बीटेक का छात्र था और पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ दिन पहले अपने गाँव आया था। वहीं मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 50 लाख का घोटाला हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में लाखों का घोटाला सामने आने के बाद जमुई जिले के 3 शाखा प्रबंधकों गबन की FIR दर्ज की गई है। वहीं बेगूसराय में एक शराबी पति दिनेश दास ने रविवार को पत्नी रेखा देवी को जिंदा जलाने की कोशिश की। फिलहाल रेखा का इलाज चल रहा है। बताया जाता है दिनेश अक्सर रेखा से शराब पीने के लिए पैसे मांगा करता था, नहीं देने पर मारपीट करता था। वहीं 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अब देशव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी है। देश भर के किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान संगठन शामिल है। कई राजनीतिक दलों ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। विवादों के घिरे संगठन पॉपुलर फ्रंट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचा को गिराए जाने को लेकर बिहार के कटिहार में पोस्टर लगाए हैं। कटिहार के जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों में बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बातें लिखी गई हैं। इनमें बाबरी मस्जिद के गुंबदों की तस्वीर देते हुए 6 दिसंबर के दिन को नहीं भूलने का आह्वान किया गया है। सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की नीयत से लगाए गए इन पोस्टर को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात की है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान आगामी फिल्म आदि पुरुष को लेकर विरोधियों के निशाने पर है। फिल्म में रावण का अच्छा पक्ष और राम की छवि को अपमानित करने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने इसकी आलोचना की, कहा फिल्म में हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य ना हो। राम कदम ने चेतावनी दी, हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। सैफ अली खान ने इस पर प्रतिक्रिया देते कहा, मेरी बातों से लोगों को अगर ठेस पहुंची है तो मेरी मंशा कतई ऐसी नहीं थी। ये थी अब तक की 6 बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। देशज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खबरों के लिए पढ़ते रहिए लगातार देशज टाइम्स.com।